गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ आर फर्स्ट लेसन. सो इन दिस वीडियो लेक्चर बेसिकली वी विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस इन योर प्रैक्टिस नोटबुक और इन रफ नोटबुक. देन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. So now let's come on the questions. First question is that choose the right options to answer these questions. Why did Nawab Hasan Ali come to Qadir's food stall? जो नवाब थे वो कादिर की food stall पर क्यों आए थे? There are four options and one is right. Out of these four options, he wanted to taste Qadir's famous fritters. वो कादिर्स के फेमस फ्रीटर्स को टेस्ट करना चाहते थे. ही हैड हर्ड ऑफ कादिर्स फेम एज ए कुक एंड वॉन्टेड टू टेस्ट हिज बेस्ट डिश. उसने कादिर की फेम के बारे में सुन रखा था एज ए कुक के रूप में और वो उसकी बेस्ट डिश को टेस्ट करना चाहते थे. ही वॉन्टेड टू टेस्ट कादिर्स बेस्ट डिश. वो कादिर की बेस्ट डिश को टेस्ट करना चाहते थे. ही वॉन्टेड टू गिव हिम सम मनी. वो उसे कुछ पैसे देना चाहते थे. सो यू हैव टू चूज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज दैट वाई डिड कादिर लूज अ लॉट ऑफ कस्टमर्स. कादिर बहुत सारे कस्टमर को क्यों खो देता है, क्यों नाराज कर देता है? ही वॉज अ मैसी कुक. वो एक गड़बड़ कर देने वाला कुक है. सॉरी था, He was a very fussy cook. वो एक रूखा व्यवहार करने वाला कुक था. He charged a lot of money for the food he served. जो वो फूड दिया करता था, खाना दिया करता था, उसके लिए वो बहुत सारे पैसे चार्ज किया करता था. He was not a very good cook. वो बहुत अच्छा कुक नहीं था. So which is the right option? You have to write it in your rough notebook or in practice notebook. थर्ड क्वेश्चन, वाई वो सादिक वरीड व्हेन द नवाब रिफ्यूज्ड टू रिस्पोंड टू हिज कॉल इमीडिएटली. क्या हुआ था, यानी कि सादिक वरीड क्यों हो गया था जब नवाब ने उसके कॉल पर, उसके बुलाने पर भी आने से मना कर दिया था, तो सादिक परेशान क्यों हो गया था? ऑप्शंस, द दाल वुड बिकम ड्राई एंड टेस्टलेस. जो दाल थी वो ड्राई हो जाएगी और उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा. हिज फादर वुड गिव अवे द दाल. उसके फादर दाल को फेंक देंगे. हिज फादर वुड हैव टू कुक अ न्यू डिश. उसके फादर को एक न्यू डिश बनानी पड़ेगी. हिज फादर वुड ब्लेम हिम फॉर इट. उसके फादर इस बात के लिए उसे ब्लेम करेंगे. कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल. Statement is written there and reason you have to write. So with the each statement you have to write one reason. One example is done, that is the first. Sadiq felt like crying. Sadiq ka rone ka man kar raha tha. We have to write the reason here. Humne uska karan likhna hai yahan pe. Reason is that he was afraid of his father not being rewarded. Wo is baat se afraid tha, डरा हुआ था कि उसके फादर को अब अवार्ड नहीं मिलेगा, रिवार्ड नहीं होंगे उसके फादर. इस बात से वो उसका रोने का मन कर रहा था. दिस इज़ द रीज़न ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट. सो बाय दिस लाइक बाय दिस वे यू हैव टू राइट द रीजंस ऑफ दिस स्टेटमेंट्स. सेकंड स्टेटमेंट इज दैट हिज फादर वॉज बींग डिफ़िकल्ट एज यूजबल. उसके फादर एज यूजुअल से हमेशा से कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट बनते जा रहे थे, व्यवहार में रूखे बनते जा रहे थे. सॉरी, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, यू हैव टू राइट हेयर. क्वेश्चन थर्ड, हिज फादर हैड नियरली स्पॉइल्ड एवरीथिंग. उसके फादर ने लगभग सब कुछ बिगाड़ ही दिया था. व्हाट इज़ द रीज़न, ऑल हिज ड्रीम्स वर फेडिंग अवे. सभी उसके ड्रीम्स ख़त्म हो रहे थे, फेडिंग अवे हो रहे थे. ही न्यू हिज फादर वुड लाफ एंड गिव हिम सम मनी. वो जानता था
कि उसके फादर उस पर हंसेंगे और उसे कुछ पैसे देंगे. रीजन्स यू हैव टू राइट. राइट, कम ऑन द सेक्शन सी, थिंक एंड आंसर. व्हाई वाज अ रिच मैन लाइक नवाब हसन अली विलिंग टू कम टू अ पुअर मैन्स फूड स्टॉल. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नवाब हसन अली थे उनकी क्यों इच्छा थी उस पुअर मैन की फूड स्टॉल पर जाने की, यानी क्यों जाना चाहते थे. सेकंड क्वेश्चन इज दैट सादिक हैड अ ड्रीम फॉर हिज फादर. सादिक का अपने फादर के लिए एक ड्रीम था. व्हाट वाज दिस ड्रीम एंड हाउ डिड ही वर्क टू मेक इट कम ट्रू. और उसने क्या किया उस ड्रीम को पूरा करने के लिए, वो ड्रीम क्या था. नाउ कम ऑन द सेक्शन डी, डिस्कस इन द क्लास. हियर आवर क्वेश्चन इज दैट डू यू अप्रूव ऑफ व्हाट सादिक डिड. क्या तुम इस बात को अप्रूव करते हो, इट मीन्स क्या तुम इस बात को सही मानते हो जो सादिक ने किया था, जो सादिक ने अपने फादर को रिवार्ड दिलाने के लिए जो नवाब की पतंग कटवाई थी, क्या वो सही था. वुड यू हैव डन द सेम इन द सिमिलर सिचुएशन. क्या तुम भी वो सेम करते जैसे अगर तुम उस सिचुएशन में होते, अगर तुम उस कंडीशन में होते जो सादिक ने, जो सादिक की कंडीशन थी और जो सादिक ने किया था, क्या तुम भी वही करते. Why एंड why नॉट, क्यों और क्यों नहीं. यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑफ दीज questions इन योर रफ नोटबुक और प्रैक्टिस नोटबुक. सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द आंसर्स ऑफ दीज questions. टिल देन सी यू, bye.